हे गाइस वेलकम बैक टू माय सर्वाइवल वर्ल्ड। सो पिछले वीडियो में मैंने अपने गोल्ड फार्म और कोबलस्टोन फार्म को तोड़ दिया था, और वो मैंने क्यों तोड़ा था वो आप लोग उस वीडियो पे जाके देख लेना। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि अब आप लोग का इंतजार बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। खैर आज के इस वीडियो में मैं उसी गोल्ड फार्म को एक बहुत ही बड़े लेवल पे बनाने वाला हूँ, जिससे कि हम लोग को डबल से भी ज्यादा गोल्ड मिलेगा। और छोटे से गोल्ड फार्म को बड़ा बनाने का एक रीजन है जो कि आप लोग को बाद में पता चलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, उससे पहले प्लीज गाइस आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 5000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। आप दो ना। तो इस बार हम लोग अपना गोल्ड फार्म यहाँ पर बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इस जगह को थोड़ा साफ सुथरा करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से साफ सफाई अभियान चालू करते हैं। और आज आप लोग के लिए एक सवाल है, ये वाला चीज किस किस को याद है वो मुझे कमेंट में बताना। मुझे देखना है कि कौन कौन मेरे सर्वाइवल सीरीज को एकदम अच्छे से फॉलो करता है, और ये मैंने क्यों बनाया था वो भी मुझे कमेंट में बताना। One hour later. तो इस जगह को मैंने अच्छे से फ्लैट कर दिया है। चलिए कुछ सामान जमा करने का बारी है, तो चलिए फटाफट से कुछ सामान जमा करते हैं। तो मैं यहाँ पे ढेर सारे ऑब्सीडियन तो लेके आ गया हूँ। अब हम लोग को कुछ इंजीनियरिंग वाला सामान चाहिए, जैसे कि ऑब्जर्वर, पिस्टन और पता नहीं, बस करते हैं जमा। देखो गाइस, पेड़ काटना बहुत ही बुरी बात है, और हम लोग को पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, आप लोग भी पेड़ मत काटो। जो जो ये बात समझ गया ना, मैं तो मानता हूँ वही एकदम रियल लेजेंड है। गाइस, तो शायद से मैंने सारा सामान जमा कर लिया है, बट कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मैं कितना ज्यादा भुलक्कड़ हूँ। और लामा भाई, लेम भाभी कैसी है? वेट व्हाट, तेरे से ऐसा क्या पूछ लिया मैंने जो तूने मुंह मोड़ लिया अपना? जरा इधर शकल दिखाना अपना। अभी तू तो मेरे से नजर तक नहीं मिला रहा, ऐसा क्या हुआ है तुझे? तुझे क्या हुआ, क्या है ये? हाँ क्या है? हाँ, तुझमें बहुत ज्यादा घमंड आ गया क्या? तुझे बात करने का तमीज नहीं है थोड़ा सा भी? अच्छा, तू मतलब अंदर ही अंदर मेरे से जल रहा है ना? अब जल रहा है तो मेरे पास क्यों आ रहा है? चल हट यहाँ से, हट। इसलिए बोलते हैं दूसरों पर नहीं थूकना चाहिए, तू मेरे ऊपर थूका और खुद ही मर गया। खैर गाइस, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे 22x22 का एक बड़ा सा नेदर पोर्टल बनाना है। तो गाइज, क्या मैं यहाँ से वाटर बकेट MLG कर पाऊंगा नीचे तक? यस, बिल्कुल कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा? आई एम नॉट नोब, आई एम अल्ट्रा प्रो मैक्स। मीनवाइल चलो गाइज, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब हम लोग को इस नेदर पोर्टल को लाइट अप करके देखना है कि पिगलिन किस तरफ स्पॉन हो रहा है। और ये तो शायद गड़बड़ हो गया, इस तरफ स्पॉन हो रहा है पिगलिन। मतलब वैसा कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन अब ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसको अच्छा बनाने का ट्राई करूंगा पूरा। लेकिन उससे पहले यहाँ से एक ब्लॉक तोड़ देते हैं, नहीं तो पता नहीं कब नेदर में घुस जाऊंगा मैं। तो अब जिस साइड में पिगलिन स्पॉन हुआ था वहां पे हम लोग को एक लेयर हटा देना है, इस कोने से उस कोने तक। और अब हम लोग को किसी भी कोने में आके 2 बाल्टी पानी डाल देना है, और जहां तक ये पानी आ रहा है यहां से हम लोग को एक और ब्लॉक नीचे कर देना है। उसके बाद हम लोग को ये दोनों डेड ब्लॉक तोड़ देना है, जिससे कि ये पानी और आगे आ जाएगा। और ऐसे करके हम लोग को इस पानी को पूरा एंड तक ले जाना है। तो अब आप लोग यहाँ से पूरा वाटर फ्लो भी देख सकते हैं कि यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग को 4 ब्लॉक का एक जगह मिल रहा है। तो अब हम लोग को ये जो 4 ब्लॉक का जगह मिल रहा है, इसको भी हम लोग को 20 ब्लॉक तक नीचे ले जाना है। क्या हुआ ज़ॉम्बी भाई, तुम जल क्यों रहे हो? बाबा प्लीज भाई, मैं तुम्हारी तरक्की से जल रहा हूँ। मेरी तरक्की से जलने वालों का यही हाल होगा। खैर मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, इसीलिए ओम शांति ज़ॉम्बी भाई। चलो कोई ना, ये खबर इसके परिवार जनों को दे आते हैं। ये शायद उसका बेटा आ रहा है, बट ये भी क्यों जल रहा है? मेरे से ही जल रहा है क्या? अभी अभी अभी
अबे ओए, मैंने तेरे बाप को नहीं मारा, वो खुद मेरे से जल के राख हो गया, जैसे अभी तू गया। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। चल एक्सपी देने के लिए थैंक्स। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे 20 ब्लॉक नीचे तो आ गया हूँ। अब यहाँ पे छोटा सा एक रूम टाइप बना लेते हैं। तो अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे एक डबल चेस्ट लगा देना है। उसके बाद हम लोग को चेस्ट के पीछे जाके चेस्ट से कनेक्ट करते हुए तीन तीन हॉपर लगाने हैं, मतलब टोटल 6 हॉपर लगाने हैं। और अब हम लोग को यहाँ पे एक ट्राइडेंट किलर बना देना है ताकि ये फॉर्म फुल्ली ऑटोमेटिक बन जाए। और आप लोग चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने कभी ट्राइडेंट किलर बनाया नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को इसको समझा नहीं सकता, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट इसको बना के ही मिलता हूँ। 11 minutes later, तो यहाँ पे हमारा ट्राइडेंट किलर रेडी है। अब हम लोग को सिंपली किसी भी पिस्टन के ऊपर एक ट्राइडेंट फेंक के मार देना है। एंड अब हम लोग सिंपली यहाँ पे एक लेवर लगा के इसको ऑन कर देते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे फटाफट से ऊपर जाने के लिए एक रास्ता भी बना लेते हैं। A few moments later. Okay, तो अब यहाँ पे फटाफट से पिंक पिंक ट्रैप डोर लगा देते हैं और यहाँ पे हमारा रास्ता भी रेडी है। अब हम लोग को इस पूरे एरिया को दो दो ब्लॉक के हाइट में ग्लास से पूरा कवर कर देना है ताकि यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी बाहर ना आ पाए। What the heck यार, ये दो दिन से क्या हो गया है मुझे? गोल्ड फार्म में पिगली ना आएगा ना, गोल्ड फार्म में ज़ॉम्बी थोड़ी ना आता है। अबे यार, बस 2 ग्लास से कम पड़ गया, अब मुझे दोबारा से ग्लास लाना पड़ेगा। तो गाइज, इस चेस्ट में मुझे व्हाइट स्टेंट ग्लासेस मिल रहे हैं, तो अभी के लिए इसको ही लगा देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। वो भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है। देखा, मैंने बोला था ना कि एकदम मिक्स हो जाएगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। छोड़ो गाइस, फटाफट से हम लोग इसके ऊपर स्लैब लगा देते हैं ताकि यहाँ पे गलती से भी कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो पाए। अब हम लोग को इस नेदर पोर्टल के किसी भी कोने में आके यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देना है और इसके ऊपर हम लोग को एक डिस्पेंसर लगा देना है कुछ इस टाइप से, और इसके अंदर हम लोग को एक वाटर बकेट रख देना है। अब हम लोग को तीसरे वाले ब्लॉक में कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना है और इस साइड में हम लोग को और 6 ब्लॉक लगाने हैं। अब हम लोग को इस साइड में आके एक ऑब्जर्वर लगाना है कुछ इस टाइप से फेस करते हैं, और इसके पीछे हम लोग को 5 ऑब्जर्वर और लगाने हैं। और ऑब्जर्वर लग जाने के बाद इसको भी हम लोग को पूरा बिल्डिंग ब्लॉक से कवर कर देना है। अब हम लोग को इसके ऊपर आ जाना है और हम लोग को दो दो ब्लॉक की हाइट में इसको तीनों साइड से कवर कर देना है। और ये जो नेदर पोर्टल वाला साइड है, यहाँ पे हम लोग को 5 ट्रैप डोर लगा के उनको खोल देना है। और आप लोग चाहो तो इसको भी आप लोग बिल्डिंग ब्लॉक से कवर कर सकते हो ऊपर से कुछ इस टाइप से, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा काम बचा है। यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे डिस्पेंसर लगाया है, यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा रेडस्टोन क्लॉक बनाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला ब्लॉक तोड़ दिया है, यहाँ पे भी हम लोग को 2 ब्लॉक लगाने हैं और ये नीचे वाला ब्लॉक हम लोग को तोड़ देना है। और अब हम लोग को सबसे पहले इस ब्लॉक के ऊपर एक रेडस्टोन डस्ट लगाना है और देखना है कि ये एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो ये एक्टिवेट हो चुका है, अब हम लोग को सिंपली एक रेडस्टोन यहाँ पे लगा देना है। और हम लोग को सिंपली इसको ऑन अप करने के लिए इस वाले ब्लॉक में एक लेवर लगा देना है, और इसको मैं आप लोग को चला के भी दिखाऊंगा सुबह में। The next day. लेकिन इसको ऑन करने से पहले यहाँ पे हम लोग को एक लावा बकेट डालना होगा, नहीं तो ये ऑन नहीं होगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे एक साथ कितने सारे पिघले ना जा रहे हैं। तो अब एक बार हम लोग नीचे जाके भी देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं अच्छे से। ओके गाइस, तो ये काम तो बहुत ही अच्छे से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी आ गया पता नहीं कहाँ से। A few inches later. तो सर जी, आपके फार्म में लीकेज की प्रॉब्लम थी, मैंने वो ठीक कर दी है। तो चलिए अब मैं आप लोग को इस फार्म का एक फाइनल लुक दिखाता हूँ, क्योंकि इसके लिए हम लोग को एक सॉर्टिंग सिस्टम भी बनाना होगा, क्योंकि इसमें इतने सारे सॉर्ट हम लोग को मिल जाते हैं ना कि क्या ही बोलूं। One eternity later. Okay guys, तो जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग अपना क्लिंग चेम्बर मिल जाता है, जहाँ पे मैंने स्टोन ब्रिक्स और थोड़ा बहुत लैंटर्न लगा के थोड़ा सुंदर बनाने का ट्राई किया है। अब मैं आप लोग को एक बार चेस्ट खोल के भी दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोग को मेरे चेस्ट खाली दिखेगा, क्योंकि यहाँ का सारा सामान सॉर्टिंग सिस्टम के द्वारा नीचे चल जाता है। लेडर से हम लोग जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को 3 चेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें से एक में रॉटन फ्लैश, एक में गोल्ड इंगेट और एक में गोल्ड नगेट मिलता है। और एक चीज, मैंने इस फार्म को बस 2 मिनट के लिए चलाया था और आप लोग यहाँ पे लूट देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा मिला है। ओके, तो अगर आप लोग को भी गोल्ड से बहुत ज्यादा प्यार है ना, वैसे गोल्ड से किसको ही प्यार नहीं होता, हाँ, तो आप लोग भी इस बिगेस्ट गोल्ड फार्म को एक बार जरूर से बना के देखना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।